मौसम है बढ़िया, झूम रहा है गगन, साथ में चल रही है चंडी चंडी पवन। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Rao and I'm a 4th year medical student at Orenburg State Medical University. आज है मेरी faculty of therapy की second class, लेकिन ये पहली offline class है। इसके पहले कल एक online class हुई थी जहाँ class लगेगी। समय हो रहा है 8:30, हम लोग जा रहे हैं बस। थोड़ी थोड़ी बारिश है, मतलब बहुत ही एकदम थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, प्यार मौसम है बहुत। और वो बाकी के लोग हैं सौरभ, मृणाल और मेघना। और ये है बस स्टॉप आगे जहाँ पे दिख रहा नहीं, और ये बस स्टॉप। हेलो मोस्ट ऑफ, यहाँ से बस पकड़ेंगे तो थोड़ा आगे से बस पकड़ेंगे। उस वाले बस स्टॉप से जो हमको बस चाहिए 158, और बहुत ही रेयरली आती है, मतलब बहुत टाइम बाद आती है। एक आई उसके बाद में बहुत देर बाद एक बस आती है 158 जो हमको चाहिए, इसलिए हम लोग किसी दूसरे बस स्टॉप से बस पकड़ते हैं थोड़ा और पैदल चल के, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बस आती है इसलिए। सो ये वो दूसरा वाला बस स्टॉप है जहाँ से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली 158 डाली, कभी कभी यही पे खड़ जाती है 158, जैसे ओरिजिन है उसका। हम लोग आए उस तरफ से सीधा 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 देन वी क्रॉस एंड ये वो बस स्टॉप है वोल्दोर्स्काया, ठीक है। ये पेत्रुष्का है, पेत्रुष्का के जस्ट आगे ये बस स्टॉप है। ये कजाच एस्तो फैकल्टी थेरेपी के लिए आपको यहाँ उतरना पड़ेगा इस बस स्टॉप पे, कजाच एस्तो पे। यहाँ से भी दिखाऊंगा रूट तुमको कि क्लास लगती कहाँ एग्जैक्टली। सुबह जब क्लास रहती तब सुबह खाने का टाइम नहीं मिलता, तो रात को ही उपमा या कुछ तुम सुबह के नाश्ते के लिए बना के रखो। जैसे कल हमने उपमा बना के रखा था, तो आज सुबह उसको गर्म किया और टिफिन पे पैक करके ला सकते हो। तो अगले दिन अगर तुम्हारा सुबह क्लास है ना 8:30, 9, 10 को, तो इस टाइम पे कभी भी रात को ही अपना नाश्ता बना के रख लिया करो, या सब्जी बची तो चावल बना लो, या उपमा कर लो, सेवे कर लो, या नूडल्स बना लो, ऐसा कुछ भी, या दूध का पैकेट ला के रखो ताकि तुम लोग सब सुबह कॉफ़ी पी पाओ। तो ये सब चीज़ें तुम्हें को हेल्प होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग में भूख लगती है आदमी को। ये है कि डेवलप्ड कंट्री के रास्ते उन्होंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, और फिर यहाँ से हम लोग अभी कुछ वॉक करके जाएंगे अपने क्लास को। ये फैकल्टी थेरेपी वाले का ये प्रॉब्लम है कि जिस बस स्टॉप पे हम लोग उतरे वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लगभग 10 मिनट का वॉक है, मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल है उसके पास वाले बस स्टॉप पे ऐसी कोई बस नहीं जाती जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होती हो, तो हमको वही बस लेनी पड़ती है जो इसके आसपास जाए। तो हम लोग काजी चेस्टा में उतरे, वहाँ से पैदल 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 अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट का एक छोटा वॉक है, मतलब बहुत दूर नहीं है, लेकिन बारिश गिर रही है ना उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग छाता तो कुछ लाया नहीं हमारे पास, बस जैकेट्स हमारे पास में। यह है बालनित्सा, यहाँ पे हुई थी इंटर्नशिप हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, पूरा हॉस्पिटल एरिया। और ये है स्पार्टाकोस्का जहाँ मेडिकल टेस्ट होती तुम्हारी जब फर्स्ट ईयर बचा है तब, और ये मेन हॉस्पिटल है यहाँ क्लासेस। क्लास फिलहाल पता नहीं कि अभी एग्जैक्टली है लगती है, यहाँ पे हमारा पहले बार हम लोग यहाँ फैकल्टी थेरेपी के लिए, फर्स्ट ऑफलाइन क्लास है हमारी, कल एक ऑनलाइन थी। सो वी एग्जैक्टली डोंट नो वेयर द क्लास इज सपोज टू हैपन। ये पूरा हॉस्पिटल है, यहाँ हुई थी इंटर्नशिप इस वाले में, और ये भी हॉस्पिटल का पार्ट है, लेकिन यहाँ कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स है आगे वाले में। अब यहाँ लगेगी या तो यहाँ लगेगी। दोनों शूज चेंज करेंगे और डिफरेंट पहनेंगे। तेरे जूते लगे
ये है मेरे सेकंड शूज, मतलब मेरे सेकंड, तो ये बिल्कुल साफ सुथरे हैं। ये मैं अंदर पहने ताकि डिपार्टमेंट गंदा ना हो। और जो शूज में पहन के आया था वो ये वाले। चले काफे दरा फाकुल ते तो इस ते स्कूई दरा पिया वा एंडोक्रिनो लोगी या ही फैकल्टी थे पिया एंडोक्रिनोलॉजी का डिपार्टमेंट है। माय गॉड तुम लोग हमसे पहले कैसे आ गए। ये फैकल्टी थेरेपी और एंडोक्रिनोलॉजी का डिपार्टमेंट है। हमारी आज फैकल्टी टू थेरेपी क्लास यहाँ लिखा है। पूछे बनाए कोमलता काफी जी फैकल्टी थे स्कूई थेरेपी है। देखो यहाँ लिखा है। तो ये फैकल्टी थेरेपी का डिपार्टमेंट है और एंडोक्रिनोलॉजी का। तो आज हमारी फैकल्टी थेरेपी की फर्स्ट ऑफलाइन क्लास है जैसे मैंने बताया। तो बहुत सेक्सी सा हॉस्पिटल है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, लेकिन बहुत साफ सुथरा। और देखो तुम पूरा फिनिश विनिश देखो, मतलब लग गया ही नहीं कि ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाइप है करके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाइप है करके ऐसा। और ये मेरे नए ग्रुपमेट है अश्विनी भाई, सौरभ कुणाल। सो लेट्स मूव टू द क्लास। भाई अरे अकेला कर देंगे धम्मा चक्र को। ओके गुड, दैट्स ऑल्सो बेटर। इतना अच्छा क्लासरूम, इतना अच्छा क्लासरूम कभी नहीं मिला ना। क्लास चालू हो गया, मुराद बोल रहा था कि 5 मिनट छोड़ दे। 5 मिनट छोड़ी नहीं, अभी तो क्लास ले रही है। ये मेरी मैम है, अभी पढ़ा है और हमको अभी केस हिस्ट्री दी सॉल्व करना है। केस हिस्ट्री मतलब एक एक ईसीजी दिया है हमको, उसका एनालिसिस करना है कि बीमारी कौन सी है। और सौरभ पूरा लगा हुआ है सॉल्व करने में। अरे क्या चल रही है, व्हाट इज दिस। हर हर एक टेबल पे एक एक वो दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इंटरमीडिएट से पढ़ा था लास्ट टाइम, अभी याद नहीं भाई। वो पहले एक साइनस और वो करना था, स्क्रीनशॉट हो गया ना। चल तू भी साथ में। हां मैं लास्ट में, ठीक है। हां तेरे बढ़िया लगा। गाइस ये मेरा कैप्टन है और ये शायद ही मारेगा भी। हां मौसम है बढ़िया, चल एक्शन। मौसम है बढ़िया, झूम रहा है गगन, साथ में चल रही है चांदी चांदी पवन। Full utilization of time going on, guys. बारिश के कारण रोड ही गीले हो गए, पूरा पानी पीने पानी से जमा हो गए। अभी हमने एक रोड क्रॉस किया है ट्रैफिक पे, पूरा सा पानी भर के था वहाँ पे तो। लेकिन फिर भी सीवेज सिस्टम ठीक है यहाँ का, उतना सा जम भी नहीं था। एकदम जब बर्फ गिरती है तब तो बहुत गंदा कीचड़ हो जाता है। बद सारे गा रे सा, बद सारे गा।